आज हमने जाना है एक राबे की फेवरेट जगह और एक है मेरी फेवरेट जगह। F1 कार रेसिंग पे जाना है हमने। राबे की फेवरेट जगह नेशनल एक्वेरियम। ये तो इधर है, सात अरीब भी है। देखो ये असली सांप, प्रॉपर ये प्रॉपर सांप से नहीं है यार। दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। कितना ऐसे कुशन लग रहा पूरा, और लग रहा है मार्बल का। इस एस्ट्रोलॉजी आर्मी मिल गई है भाई हमें यहाँ पे। इंडियन इंडियन थैंक यू सो मच। आपके नाम का एक गिफ्ट आया है, आपको पता ही नहीं है। ये सोचा था मैं फॉर्मूला 1 कार चलाऊंगा। अच्छा, क्या मजाक हुआ मेरे साथ। अरीब अरीब दिल नहीं हारते। जैसे हम ट्रिप पे आए थे हमारी रूटीन बड़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा रूटीन ही खराब होती जा रही, क्योंकि रात को सो रहे हैं लेट। कल हम लोगों ने किया था अपनी फैमिली के साथ इतना हैवी वाला प्रैंक, जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया, आप लोगों को बहुत पसंद आया। खैर अभी उठे हैं, तैयार हुए हैं राबिया मैडम की फरमाइश पे। आज राबिया की फेवरेट जगह पे जा रहे हैं एक्वेरियम। दीप साहब जो है फटाफट तैयार हुए, मैं दिखाती हूँ। अरीब ने फुल अपनी बीवी के साथ मैचिंग की हुई है। वैसे तो वो कपड़े पहनते ही नहीं, कहते मेरी बेगम साथ मैचिंग ना हो तो मेरा दिन नहीं गुजरता। स्पेशली मेरे से मैचिंग करवाती है बीवी, मुझे बताया बगैर शर्ट लेके आई हुई, ये करिए ये पहनो। अब ये पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखे जरा। आज हमने जाना है एक राबे की फेवरेट जगह और एक है मेरी फेवरेट जगह। मेरी आज फेवरेट जगह F1 कार रेसिंग पे जाना है हमने। ओए होए क्या मजा आएगा F1 कार चलानी आज हमने। मुझे ड्राइविंग नहीं भी आती तब भी आई कैन डू ना। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ नहीं, तुम फिर ड्राइवर चलाएगा तुम्हारे साथ। यार ये क्या बात हुई, मुझे मैं उधर पाकिस्तान में तो खूब चलाती थी कार्टिंग पे। हाँ हाँ, वो कार्टिंग कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये प्रॉपर एक रियल एक्सपीरियंस है, एक रेसिंग एक्सपीरियंस होगा, लेकिन तुम्हें बड़ा मजा आएगा। ये बहुत अलग चीज है, और इसकी इंजन की आवाज तुम सुन के ना तुम सब लोग नहीं बनना, इतनी आवाज होती है। वाओ ब्यूटीफुल 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 इकरा लग रही है, ब्यूटीफुल कवर लग रहा है। बारबी इकरा कवर लग रही है, बारबी इकरा कवर। ठीक है, चलो आने के लिए उनको उठाया अपने नेबर्स को। निकलने लगे कि आप लोग अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ये लाइन अब आपको भी रट गई होगी, इसलिए मुझे दोबारा ना बोलनी पड़े तो सब्सक्राइब कर दे भाई, कर दे। हम लोगों को हमारे नेबर्स जो है वो बाहर ही मिल गए थे। हेलो गाइस, बड़ी तैयार। एक नेबर तो हमारे कमरे में आ गया था, एक नेबर अभी है। हां यार, रूम में सर देख के आई थी ना, बड़ी बहन बकवास कर रही, इतनी चलाक है कि मेरा सेल्फी ले रही थी। ओए मेरा बैग अंदर है, वो दरवाजा बंद तो नहीं, मेरा बैग है। हमने कहाँ जाना है, नेशनल एक्वेरियम। आज हमने जाना है राबिया की फेवरेट जगह नेशनल एक्वेरियम, अरीब की फेवरेट जगह कार्टिंग, वो क्या था फॉर्मूला कार, मेरी फेवरेट जगह शॉपिंग, मेरी फेवरेट है शॉपिंग, तुम्हारी एक्वेरियम है, और मामा की तीनों नहीं मेरे पास झूले। चलेंगे नेशनल एक्वेरियम। कहीं बंदा घूम भी तो जाए। ओके, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर हम लोग फाइनली जो है ना वो गए हैं। अच्छा उस साइड से, ओके ओके, चलो उधर से निकलो। हम लोग जो है ना वो पहुंच चुके थे एक्वेरियम में, और यहाँ पे जो है ना वो फ्लैशलाइट ऑन करने से उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीजें दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्रैब्स हैं, छोटी छोटी फिशेज हैं, ये देखें, अल्लाह इस ये फिश कितनी प्यारी है, उसका मुँह चेक करें जरा, ये कौन सी नजल के। लेकिन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फिशेज हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने इतना बड़ा करके लिखा हुआ है कि नो फ्लैश, इसलिए मैं फ्लैश लाइट ऑन नहीं कर रही। राबिया और मामा जो हैं वो निकल गए हैं अपना शूट फोटो शूट वगैरह कराने के लिए, और मैं यहाँ पे मछलियों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। हे फिशू, बहुत ही प्यारी फिशेज हैं यहाँ पे सारी। जानवर दिख रहे हैं, ये तो दिख रहा है
साथ अरीब भी है, दोनों ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं ऐसे। वो देखो पागल, हाँ कहा मुझे अभी दोनों नजर आए, वो देखो साथ साथ, वो देखो ऊपर गया। अरे कितना प्यारा है अरीब, ये तो वो पीछे वाला अरीब है, ये इकरा है, वो पीछे वाली इकरा है, वो तो प्यारी है यार। ओटर क्या ओटर कहते हैं, ओटर अरीब, ये ओटर है, ये भी प्यारे हैं। ये क्या है, गिरगिट है, इकरा है, रंग बदलता है अल्लाह के साथ, उसका भी येलो रंग था, इसने भी रंग चेंज कर लिया अभी किया है। हाँ। अल्लाह, मुझे मैं 5 मिनट ढूंढता रहा, मुझे नजर ही नहीं आता कहाँ पे। तो भाई वो जो गिरगिट होते हैं वो रंग बदलते हैं, और अच्छा? जो खावंद होते हैं वो वैसे ही रंग बदले होते हैं। टर्टल्स कितने क्यूट है, मेरा दिल चाह रहा है ऊपर गया। ये क्या है? या वैसे मैं बताऊँ कि अल्लाह की क्या कुदरत है कि कैसे कैसे जानवर है। मैंने जिंदगी पहली बड़ी फ्रॉग, तुमने फ्रॉग देखा येलो ग्रीन कलर का? नहीं नहीं, मैंने वो बुक्स में बायोलॉजी की बुक्स में पढ़ा था, येलो डॉटेड ब्लू कलर का येलो। ये देखो माय गॉड, हमारे घर के बाहर इतने मेंढक घूम रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है इन पे पेंट हुआ है, और ये नेचुरल पेंट है। ये देखो येलो वाला, देखो वो येलो वाला नजर आएगा ये वो ये चलाओ बाकी चीजें देखें। सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, हाँ, यानी कि ये है फॉरेस्ट एरिया, फिर फ्रोजन एरिया था, अलग अलग सेगमेंट्स बनाए हैं, और इतने प्यारे प्यारे जानवर है, इतने प्यारे प्यारे जानवर है। ये देखना अभी इसकी स्विमिंग देखो, वो स्विमिंग कैसे कर रहे हैं ये देखो जरा, इनसे बंदा से सीखे ना कि स्विमिंग कर कैसे रहे हैं। ये टर्टल्स हैं, ये डायरेक्ट ही दिख रहे हैं यहाँ पे, आप शायद यहाँ पे सही फोटो शूट होगा। ये क्या है, ओ माय गॉड, ये कितनी बड़ी मछली है, ये मछली है अफ्रीकन एक्वाटिक है, कितना ऐसे कुशन लग रहा पूरा, और लग रहा है मार्बल का है ना, पत्थर का लग रहा है, पत्थर का बहुत प्यारा। अब हम लोग जो है ना वो सांप सीढ़ी वाले खेल में आए हैं, जहाँ पे प्रॉपर सांप सीढ़ी, गेम खेल सकते हैं सांप सीढ़ी, खेलो सांप सीढ़ी। वो देखो ये असली सांप प्रॉपर, ये प्रॉपर सांप सीढ़ी। अच्छा वो देखो कैसे पत्ते उनको, कितना, ओ माई गॉड, सांप सीढ़ी गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने लाइव देख ली है सांप सीढ़ी। और ये तो ये इतना नुक्कड़ में क्यों घुसे हैं, इनके साथ सांप सीढ़ी खेलोगे ना, अगर हार गए हाँ। तो तुम मर गए। ये चेक किया अरीब इसको, माय गॉड, बड़ी ही मजे की जगह है, बहुत ही आला जगह है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने कहा था क्या होगा इस साथ, लेकिन मैंने बहुत सी चीजें देखी पहली बार यहाँ पे। हमने स्कूबा में भी नहीं इतनी बड़ी बड़ी जायंट फिशेस देखी थी, वो देखो बंद गोभी खा रही है अरीब, सैलेड खाती है वो भी मम्मा की तरह, मम्मा मिल गई इधर आए, मम्मा और राबिया को हमने याद किया, दोनों हाजिर हो गई हैं, फोटोज फोटोज, पता इतनी प्यारा शूट करके आए, तब मजा आया हमें, आप लोग पता नहीं कहाँ गुम हो गए, हम लोग यहाँ पे जानवर दिखा रहे थे, मम्मा सैलेड खा रही थी उधर, मैंने तो आपको वहाँ देखा, मछली भी सैलेड खाई थी मम्मा, ये देखो जरा, ये मम्मा देख रही है, ये फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। ओह माय गॉड, ये इसकी मछली की दुम देखी है, क्या वो देखो, एक किसी का मुंह रॉकेट, किसी का जहाज की तरह, वो देखो, हाँ बैठू और इसको देखूं, देखें तो बैठ जाए, यही देखने हैं, कितना सूथिंग है, कितना कामिंग है, ये शार्क है, ये टाइगर शार्क है, ये वाली, इसका मुंह देखना टाइगर की तरह होगा, टाइगर की तरह नहीं, इस तरह, यानी कि ऐसे वो आगे से टी जंक्शन बना हुआ है, वो ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखें, एकदम रश, नीचे से खा लिया, वो चेक करो जरा यार, ओह माय, यही तो मैं कह रही हूँ, तेरी खैर मैं गई, वो मुझे लगता है आवाज से डर कर गई, सॉरी सॉरी फिशू, सॉरी मुझे नहीं मालूम था फिशू। नेशनल एक्वेरियम, ये जो टनल है ना यार, दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, ओ डर गया, अरे ये कितनी खूबसूरत है यार, स्माइल आ रही है, इतनी लंबी टेल
मां ये दुम वाली मछली आगे चले आगे दुम वाली मछलियां सही दुम वाली होती हैं लेकिन नहीं इसकी वो देखो जरा इसकी इनकी दुम उस तरह की है टनल अच्छी लगी है ना चलो आगे आगे चलो टनल पे लाइट आ जाएगी और यहाँ पे सही फोटो शूट करना है यार ये बहुत गाइस हम इतनी जगह फिरे अबू धाबी में आपकी जगह अच्छी थी यार मेरी कसम से मेरी मुझे लग रहा था बड़ी बोरिंग जगह होगी लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस जगह पे लाजमी आए ये सबसे बेस्ट जगह है यार ये जगह इसीलिए इतनी प्यारी है बिकॉज जो चीज लोग स्कूबा डाइव करके समंदर में जाके देखते हैं वो आपको वैसे यहाँ पे स्कूबा के बगैर एक्सपीरियंस मिल रहा है मेरे ख्याल से स्कूबा में भी नहीं देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ ना माइंड ब्लोइंग अबू धाबी वेल डन यार यार अबू धाबी का देखो ये देखो ओह माय गॉड ये कितनी खूबसूरत है ये जहाज लग रहा है मुझे प्रॉपर माशाल्लाह 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 ये जगह बहुत अच्छी चला यहाँ फोटो शूट करते हैं मम्मा भी कि मम्मा तो फुल वो हो गई है एकदम मैं तो कब से बस फिश ही देख रही हूँ मैं भी एकदम सुन हो गया और खुद नहीं देखा मम्मा खुद एक फिश ही बन गई हाँ ये मैंने ये ला क्यूटी ए सब्सक्राइब कर दे चैनल में ओए 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 उसकी उसकी दो मुंह है अच्छा जैसे तुम्हारे चार मुंह है ना कभी मैं गिर गई तू कभी मेरे दो मुंह है मैंने आपको इस मछली के आगे डाल देना ठीक है ना लेकिन वो अलग सब अलग सब अलग है भाई पता लग रहा है दुनिया की सबसे कमाल की जो है ना वो क्या क्या मेरे पास अल्फाज नहीं है आला हम लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छा फोटो शूट करवाया रील छील बनवाई सीन ये है कि एग्जिट जो है वो हमारी वहां से है लेकिन मेरी अम्मा मोहतरमा ने जो अगले डेस्टिनेशन के लिए हमारे कपड़े रखे हुए वो उधर पड़े हुए वो साले के लिए अलग मॉल है ना अलग मॉल चलो जाते हैं इससे भी अलग मॉल होने वाला लेकिन ये तो बेचा था ना वो थ्रिल है वहाँ जाएंगे पहले शॉपिंग करेंगे हम लोग यहाँ से वही निकलने लगे थे कि हमें जो है वो हमारे कुछ सब कुछ फैमिली हमारी एस्ट्रोलॉजी आर्मी मिल गई है भाई हमें यहाँ पे इंडियन आप लोग इंडिया से हैं हाँ इंडिया से ये जान के मैं ज्यादा खुशी हो गई है कि भाई इंडिया से भी हमें लोग देखते हैं और यहाँ पे उन्होंने पहचान लिया इकरा अरीब एक भी मिस नहीं करते आप थैंक यू सो मच आपका वो हीरा ही है हीरा भी हीरा हीरा फातिमा राबिया मम्मा पापा सब आंटी बता रही हैं कि ये भी देखता है अरे अल्लाह इसको देखे तो मुझे हमारी बिल्ली याद आ गई क्यूटी थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से इंडिया वालों के लिए हमारे नेबर्स के लिए और आपकी तरफ से हमें तो प्यार मिले अल्लाह खैर करे बहुत थैंक यू सो मच थैंक यू बाय बाय अल्लाह हाफिज़ मम्मा आपने बैग रखा था किधर है बैग बैग कहाँ है मुझे लगा किसी लोकल दुकान में रखा नहीं नहीं इधर डायरेक्ट रख के गई थी क्या हुआ बैग का ओ माय गॉड उन्होंने उठा के वहाँ पे बैग रख लिया मम्मा उन्होंने क्या पहचान ले और ले जाए हमने पहचान लिया हमारा बैग गाइस मिल गया वो बैग पड़ा हुआ उधर पहले यहाँ जमा करवा देते तो पहले करवा देते आप भी तो रख के चली गई हैं लेकिन गाइस यहाँ पे ना चीज नहीं घूमती आप जहाँ मर्जी रख के चले जाओ कोई बंदा आपकी चीज नहीं उठाता है और अगर किसी ने उठाई है तो वो मैनेजमेंट होती है अगर दोबारा आप उनसे लेने के लिए आएंगे तो वो आपको रिटर्न कर देंगे ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी है कि आपकी चीज जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी आप ढूंढते हुए अरे वैसे मुझे इनकी ये चीज बहुत अच्छी लगी है मिल गया है। जिधर बैग रखो जहाँ रखो उठाएगा तो सिर्फ मैनेजमेंट और वो भी बाद में आपको वापस कर देंगे ठीक है ये अच्छी चीज गाइस हमारी टैक्सी आ चुकी है अभी देखते हैं कि क्या प्लान है यहाँ से सीधा शॉपिंग पे निकल रहे हैं या अपने सर्किट पे जा रहे हैं या होटल वापस जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को एक्वेरियम में हो गया है थोड़ा सा लेट और हमारी मैनेजमेंट थोड़ी हिल गई है गाड़ी मुझे लगता है आ गई है तो जाके बस टैक्सी में बैठते हैं मुझे लग रहा है हमारा शॉपिंग का जो प्लान है ना वो पोस्टपोन्ड हो गया है क्योंकि हम लोग सीधा अपने होटल पहुंच गए अरे ये क्या किया है मम्मा यहाँ जाना था हाँ चेंज करना होटल ही जाना तो एक कपड़े फिर उठवाए मैंने तो आप कौन सा उठा के फिर दी आप भी रख के भाग गई थी मैंने भी रखा अब हम लोग अपना कपड़े वगैरह चेंज करते हैं हाँ। और प्यारी अब मॉडर्न लुक गाइस एक मसला हो गया कार्ड मेरा बाबा डिक्लाइन हो जा रहा कैश चाहिए कैश पड़ा हो पास एक है मम्मा पास होगा लेकिन कार्ड क्यों डिक्लाइन हो रहा है और शॉपिंग के टाइम पे अगर हो गया डिक्लाइन तो वो चेक करना पड़ेगा बैंक कॉल हां बैंक अब मैं तो कहती हूं बैंक कॉल करके पता कराए शॉपिंग पे जाने से पहले ईमान ना नाक ना कट जाए हमारे चलो उतरो फिर आप लोग चेंज करो चलो होटल पहुंचे उन्होंने आगे कहा पहले तो आप नहीं सीख रहे मैंने कहा जी बिल्कुल उन्होंने कहा आपके नाम का एक गिफ्ट आया है वाह भाई ठीक है उसके ऊपर इकरा नरीब लिखा हुआ है तो जाके देखते हैं कमरे में क्या सीन है किसी प्यारे फैन ने भेजा है किसी प्यारे फैन ने भेजा है
मुझे लग रहा है यहाँ बड़े प्यार करने वाले लोग हैं यार, अबूधाबी में हमें प्यार करने वाले लोग रहते हैं। बहुत शुक्रिया, अभी हम इंडियन से मिलके आए हैं, फिर हमें अबूधाबी में बड़े प्यार करे लोग मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच इस गिफ्ट के लिए भाई, जिसने भी भेजा, लेकिन आपने इतना नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन मुझे रिसीव हो गया, थैंक यू। आके जब मैंने डिब्बा खोला तो वहाँ पे तो बहुत प्यारा मैसेज लिखा हुआ है, डियर अरीब एंड इकरीब, थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ। थैंक यू सो मच भाई। बेसिकली उन्होंने कहा डियर अरीब एंड इकरीब, इकड़ा नहीं कहा उन्होंने, अरीब इकरीब कहेंगे ना तो इकरा ही होता है वो, ठीक है ना। मैं आपके साथ मुकम्मल हूं, आप जो भी थे आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिले नहीं हम, मिल नहीं पाए क्योंकि अभी आए हैं, देखा है तो, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, थैंक यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल एकदम तैयार, मैं भी तैयार, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हां तुम लोगों की चाबी कहां है? तो मम्मा की हमारी ही चाबी कहां है? निकले जल्दी, गाड़ी आ गई है भाई। मैं तैयार होकर एकदम स्पोर्टिकल बन चुकी हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वहां जाके हम लोगों ने राइड्स लेनी है, और अरीब साहब को लेनी, गाड़ी चलानी है, राइड्स, हाँ हाँ वही वही, और मुलाकात चलानी है। बहुत अच्छे लग रहे हैं, किसने ड्रेसिंग करवाई आपकी? मेरी बीवी का कवर। हम लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होने वाला है भाई? यहाँ पे होने वाला है जास कॉन्फ्रेंस सेंटर, ये तो कॉन्फ्रेंस सेंटर है, नहीं यहाँ नहीं जाना, हमने यहाँ मरीना सर्किट होने वाला है, यहाँ बहुत मजा आने वाला है, एक्साइटमेंट आप मेरी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ, बहुत मजा आएगा। लड़कियों को पता ही नहीं कि किस जगह पे आ गए, आपको पता ही नहीं कि किस जगह पे आए हैं, यहाँ पे फॉर्मूला वन रेसिंग है, आपको पता ही नहीं है, आप समझ नहीं रही है क्या होने वाला है, इसीलिए जगह ही लड़कों वाली। देखो कुछ नहीं, सारी एक्टिविटी आप लोगों के साथ गया, मैंने कुछ बोला चूंबेगी नहीं, यहाँ आए हम यास मरीना सर्किट के लिए, लेकिन हमारा जो टैक्सी है वो हमें यहाँ पे ड्रॉप करके निकल गई है, और हम लोग गलत रास्ते में आ गए, लेकिन जगह दिखने में कोई बहुत अखीर प्यारी है। वैसे सीन बड़ा बैड हो गया है, वापसी के निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, किस तरह जाना है? रिक्वेस्ट किए, वो कह रहे हैं हम छोड़ आते हैं, हम जो है वो अपनी फॉर्मूला कार में बैठ चुके हैं, चेक करें रोड चेक करें जरा, तुम मेरी रिश्ती कर रही हो, प्रोटोकॉल भाई, अभी बैठेंगे फॉर्मूला कार में, ये गाड़ी हमारी फॉर्मूला कार है जो मेन रोड से गुजारती हुई पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। अरीब आप बड़ी कहाँ पे है मेन एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस कहाँ पे, वो कह रहे गोल चक्कर के पास थी। हम लोग अब पहुंच चुके हैं, अरे अब क्या हुआ, ये भी गलत जगह, फिर से गलत घंटा, ऑफिस जो है ना जगह वही है, हाँ। लेकिन सेंटर है, डिवाइड हुआ है, हमने जिस जगह जाना है हम वहाँ नहीं पहुंच पा रहे, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आज प्रैंक पे प्रैंक, प्रैंक लगे, शॉपिंग रह जानी हमारी, शॉपिंग नहीं रहेगी, बस हो जाएगी, हो जाएगी इंशाल्लाह। अरीब को बस फॉर्मूला कार्स की पड़ी हुई है, और वही चीज डिले 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 डिले, तो सही कह रहा है, मैं कैसे बताऊं, वो टॉप स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर, ओए होए होए होए। अब ये दूसरी जगह से भी निकल चुके हैं, और यहाँ पे हमारी गाड़ी साहिबा आ चुकी है, अब वहाँ पे बैठेंगे और फिर फॉर्मूला कार में जाएंगे। ये फॉर्मूला कार मुझे लगता है कि मिस्ट्री के फॉर्मूले की तरह बन ही नहीं रही है यार। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फाइनली हम लोग लोकेशन पे फाइनली पहुंच गए हैं, फॉर्मूला कार में, अरे फॉर्मूला कार में जाना था कि डॉजिंग कार में, ये हमारे मतलब की चीज निकल आई है, सोच के आए थे कार करूंगा, मेरी यार ट्रांजिएंट वीडियो बनानी है, मैं जब से इस ट्रिप का सोचा हुआ ना, हाँ। मैं ये सोचा था मैं फॉर्मूला वन कार चलाऊंगा, अच्छा क्या मजाक हुआ मेरे साथ, अब आप तो ये तो मैं कब से कह रही हूँ गो कार्टिंग, आप कह रहे हो नहीं करा नहीं करा, देखो लड़कियों की छटीस बहुत तेज होती है, उनको फील आ जाती है, दिल ही नहीं चाह रहा जाने का, ये गो कार्ट कर मैं समझ रहा था फॉर्मूला वन कार चलाऊंगा, ये तो कार्टिंग है, ये तो बच्चों वाला खेल है, आपको दो इंडिकेशंस मिली थी तो वापस ऑन दी, ये तो बच्चियों के लिए खुशी होगी, इनको ये तो इनको पसंद है, मुझे फॉर्मूला वन कार चलानी थी। अरीब मैं नहीं जा रहा, अरीब मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने, दिल नहीं हारते, मैं आंटी को कहा था आंटी इतना मजा आएगा, इतना इसमें आप लोगों को मजा आएगा, गाइस अरीब साहब जो है ना, मैं कह रही लाहौर में कार्टिंग मिली आपको, यार मैं समझ रहा था फॉर्मूला वन कार वो होगा, वो एक्सपीरियंस होगा, अरीब ये मुझे लगता है वही अरीब के साथ सही वाला प्रैंक हुआ है गाइस, और सीन ये कि मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, समझ नहीं आ रही, मेरे बंदे ने सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया सिर्फ इस एक्टिविटी के लिए, व्लॉग का है आपका, बना ले अरीब व्लॉग से क्या गुस्सा, अरीब ये तो वो जैसे निक्के से बच्चे नहीं होते हैं, मामा ये करना वो करना, हमारे साथ प्रैंक किया ना आज इसके साथ प्रैंक, ओए अरीब, ओए अरीब को दिखाएं गाड़ियां पड़ी हुई हैं वहां पे, अब जो है ना वो हमने सारे साइन वाइन कर दिए, अपना अपना कॉस्ट्यूम जो है वो हम लोगों ने रेडी कलेक्ट करना है, या हमें हमारे कॉस्ट्यूम्स मिल गए थे, और अब जो है वो हम लोग रेडी हो चुके हैं, राबिया मोहतरमा भी फुल ऑन रेडी है, मम्मी मोहतरम भी अपने बस शूज वूज पहन रही है, सब लोग रेडी हैं,
और इकरा कवल भी रेडी है, वेट करते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर जाके अपनी कार्टिंग स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट्यूम तो चेंज हो गए, हस्बैंड साहब मेरे ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह गो-कार्ट चलाएं। पता ही है हमें, फॉर्मूला कार अरेंज कर देंगे आपके लिए, मत परेशान हो। एक्साइटमेंट बनाई थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी, एंड पे क्या हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हमें एक और रीजन मिल गई यहाँ पे वापस आने की। मैं स्पेशली आऊंगा और मैं करके जाऊंगा फॉर्मूला वन, मेरी ये चेकलिस्ट है। कहाँ पिक्चर्स देख रहे हैं हमारी, या अल्लाह सबकी पिक्चर से मैंने तो इतना बुरा पोज दिया हुआ है। इकरीब भाई, ये इकरीब क्यों है, राबी गेमर अजरा मेरा अरीब लिखवा के आया। इकरीब, अरीब यू आर सो क्लेवर, मेरा नाम क्या लिखवा के आए, अपना क्या लिखवाए हैं, अरीब नहीं गेमर, गेमर ये किस लिए है, ये सारे पे बांधे ना ताकि बाल आपके उड़े ना और फंसे ना कहीं पर। हमारी जो है वो बारी आ चुकी है, गर्मी से बुरी हालत हो रही है, दिल खराब हो रहा है, लेकिन क्या करें, एडवेंचर तो एडवेंचर होता है। और अब जो है ना, अरे फोन कहाँ रखना है, फोन साथ लेके जा सकते हैं, अलाउ नहीं होगा। ओके, नंबर 2 मेरा है, ठीक है, तुम्हारा 25 है, हाँ, और आंटी का 29 है, राबे का 26। यार मेरा 25 मेरा डेट ऑफ बर्थ वाला, आए आए माय लकी नंबर माय 25। चलो इसको रख के आ जाओ, सबको फोन वहीं पे रख के आती हूं, उनके फोटो शूट का बाद में वो करेंगे। राबिया मम्मा फोटो शूट कर रही है मेरे उसका, जल्दी आ जाओ बारी आ गई है। आवर लेटर सर आ आती है तो फिर पूछते कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका। ये देखिए आ गई है, कैसा रहा, थक गई हूँ बहुत ज्यादा, चक्कर क्यों आ रहे हैं, लेकिन मैंने रेसे मारी आखिर पे। चलो देखते हैं कौन विनर है, ठीक है, मैं विनर तो नहीं हूँ। राबिया भी आ गई, आंटी भी आ गई, कैसा रहा, लाश पे वो कह रहे रुक जाओ मेरी आगे लड़की हिली पूरा मैंने को आंटी मेरे आगे जो जी वाह 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 वाह, देखो पता ही नहीं अपनी बहन को ही मार दिया। आपका कैसा रहा आंटी, मजा आया, और राबी, एक राबी 8 आई है, 7 आई है, नंबर 1 अरीब नैना बड़ी फ्रेश लग रही हो आज, कार्टिंग करके, खाली कार्टिंग, बस कार्टिंग, कार तो बड़ी छोटी निकली यार। नैना बात सुने, नैना नैना आपकी गाड़ी ये बेहतर गाड़ी है जिसमें भी आप जा रहे हैं, उबर करा लिए। फाइनली नींदें गाड़ी में पूरी करने के बाद, क्रैम्प्स डलवाने के बाद हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं और अब हमारे पास जो है ना वो 3 घंटे, हमने 3 घंटों में ना 12 बजे मॉल्स यहाँ पे बंद होते हैं, 3 घंटे में हम लोगों ने यहाँ पे ना रज के शॉपिंग करनी है। मॉल 12 बजे बंद होता है, हाँ, और जो लेकिन ये शॉप 10 बजे होती है, और मुझे सामान पकड़ा दिए, बिल करवाओ और लाइन में लगो। तो अभी इतना सारा हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया, बाकी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन काउंटर क्लोज हो गया। मैंने सोचा कि सुबह फिर, अगर हम सुबह जल्दी उठ गए तो सुबह फिर जल्दी जल्दी आएंगे। यार राबिया मेकअप कहाँ है, शॉपिंग इतनी कर ली, उन्होंने दुकान ही बंद कर ली, अब नीचे से गुजर, हाँ मैं इधर ही रहूँ, ठीक है, आप लोगों की तो मौजें लग जाएंगी। अब प्लीज कहीं बैठ के कुछ खाएं, बहुत भूख लग रही, सुबह से सिर्फ कुछ भी नहीं खाया। Yes, okay. खाना शाना खाने के लिए निकले थे, लेकिन जनाब साहब को रास्ते में और इतनी चीजें पसंद आ गई हैं, ये तीनों हजरात शॉपिंग के लिए पागल हुए हैं। मैंने अपने लिए सिर्फ एक वॉच लिया है, वो सब पे भारी है, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने अपने लिए कौन सी वॉच लिया, मगर वो बहुत खूबसूरत घड़ी है, मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया। हम लोग जो है वो मॉल से निकल चुके थे, अब खाना शाना वहीं जाके खाएंगे, टैक्सी हमारी आ चुकी है, आ जाओ गर्ल्स जल्दी जल्दी जल्दी। A few moments later. हम लोग पहुंच गए, फाइनली इतनी सारी शॉपिंग की है और अब घर आ गए हैं और जाके इसको समेटते हैं और जाके रेस्ट करते हैं। ओए होए 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 होए, सही शॉपिंग तो सिर्फ राबिया ने की है, मैं तो बड़ी ज्यादा शर्ट्स ली है। खुश हो तुम, बहुत खुश हूँ, तुम तो। तो फिर कैसी रही गाड़ी, कैसी रही शॉपिंग, बड़ा मजा आया F1 फॉर्मूला रेसिंग कार चलाने। आई अल्लाह, इस लड़के को जितना मजा आया ना मैं आपको बता नहीं सकती, अंदर से इसका बस नहीं चल रहा था, गला काट देता गुस्से में किसी का, जितना उसको शौक चढ़ा हुआ था, ब्लॉगिंग कर रहा था। मामा साहिबा ने जिद मचा दिया कि मुझे कॉफी पे लेकर जाना, इसलिए
ये खाना हजम करो आगे फिर ये भी खाना है थोड़ी वॉक कर रहे हैं। A few moments later कॉफी शॉफी पी के हम लोग आगे थे यार कॉफी शॉफी पी के हम ऐसे आए हैं किसी एक गंदी सी प्रैंकस्टर ने ना मेरे साथ एक मेरे चीज का बदला लेने की कोशिश की है। कॉफी शॉफी पीने नहीं गए थे हम हमारे साथ ये जो साजिश जी मामा और ये राबिया ना इन लोगों ने हमारे साथ साजिश की थी और बड़ी प्रैंक करने की कोशिश की थी बदला लेने की कोशिश की थी वो तो मैं शुक्र समझदार लड़का दस्ती पकड़ लिया इसको है दस्ती शक में से ठीक है लेकिन थोड़ा सा डर गया था मैं शक था लेकिन ज्यादा तो रो हमारे निकले थे तुम लोग फिर आखिर हम तो पुलिस से पकड़े गए थे वो इसलिए था क्योंकि पहला प्रैंक हमने किया था अगर अब हमें नहीं पता था कि आप लोग कुछ सोच रहे होंगे तुम लोगों का तरह क्योंकि हमें किसी को पता ही नहीं लगना था क्या हो रहा है क्यों हो रहा है बस एक आपने मेरी ना फिर से मुझे ललकार दिया तो आपने भी हमें फिर से ललकार दिया हम भी ललकारे गए अब तुम्हें बख्शेंगे नहीं बिल्कुल मैं देखना मैंने इसका ऐसा प्रैंक करना मैंने इसकी नसें खोल देनी है तो लोगों ने कहा तुसी पहले टू वर्ड छोड़ो पहले आया कर लो चलो जी वाला प्रैंक करेंगे खैर अभी इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करें क्योंकि थकावट बहुत होगी लेकिन राबिया बदला रहा इंशाल्लाह तो जी मुलाकात होती है आपसे अगले ब्लॉग में का मजा बड़ा आया थोड़ा मजा आया इंटरेस्टिंग हो गया थोड़ा सा हमारा ट्रिप लाइव हैपनिंग होगी थोड़ी सी तो व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दीजिए इजाजत बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़।